साथियों केयू सेंस क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लोग यूज ऑफ हैव एंड हैज के नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और उसके स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे कि वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे हल करेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। अगर आपने यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ एमिजार और यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज पहले उसको जाके देखिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। अब हमारा यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी मदद से हम कौन कौन से सेंटेंस को बना सकते हैं वो जरा सा देखेंगे और किस प्रकार के सेंटेंस को हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा पहला सेंटेंस है कि मुझे कार है। तो मुझे कार है, एक बात ध्यान देंगे, मेरे पास अगर लिखा रहे मेरे लिखा हुआ रहे या मुझे लिखा रहे या मैं लिखा रहे, तो ये तीनों सेंस में हमारा जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग होगा वो आई होगा। अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद लगेगा कि कर्ता कोई चीज का मालिक है या कर्ता के पास कुछ है, उस सेंस में मेरे, मुझे, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मेरे के मतलब अब माई आर के प्रयोग में नहीं चल जाएंगे, इसीलिए यहाँ मेरे का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मुझे कार है तो सीधा बनाएंगे आई हैव अ कार, मतलब सब्जेक्ट के बाद का हैव हैज लगाने के लिए हैव लगा दिए, उसके बाद एक कार, कार है लिखा हुआ, कार लिख दिए, मुझे का इंग्लिश क्या होता है आई, और आई के साथ हैव क्यों लगा ये मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को मत देखिए, पहले उस पार्ट को जाके अच्छी तरह से देख लीजिए। वो वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, तो खुद आपके डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, इसलिए पहले वहां से जाके उसको क्लिक कीजिए और फिर उसको देखिए। दूसरा है कि मैं कार रखता हूं, तो मैं कार रखता हूं ये कैसे बनेगा, तो मैं कार रखता हूं तो आई हैव अ कार। मैंने बता दिया था ना कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर लगे कि कर्ता कोई चीज का मालिक है या कर्ता कोई चीज अपने पास रखता है, तो समझ जाएंगे कि दिया गया जो हमारा सेंटेंस है वो हैव एंड हैज पे बनेगा। तो ध्यान देंगे तीसरा सेंटेंस पे कि मेरे पास एक गुड़िया है, मेरे पास एक गुड़िया है, तो मेरे का सेंस में यहां क्या लिखाएगा, आई लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा आई हैव अ डॉल। चौथा सेंटेंस अगर कहेगा कि उसके पास एक किताब है, तो उसके पास एक किताब है, तो यहां पे उसका और उसकी के लिए हम लोग हिज और हर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सेंस में यहां पे अगर मान लीजिए कि उसका दिया रहे, उसकी दिया रहे, तो उसका के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे और उसकी के लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा ना, तो उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ हम लोग जानते हैं क्या लगता है, हैज अ बुक। साथियों अब मैं समझता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे चलता हूं, अगला सेंटेंस है आपका दूसरा नंबर, स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट किसके साथ लगेगा, ये सारी बात मैंने बता चुका हूं कि नहीं वाले सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्यों के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि मैं कार नहीं रखता हूं, मैं कार नहीं रखता हूं,
सीधा क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट अ कार, मतलब मैं कार नहीं रखता हूं, आई हैव नॉट अ कार। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए कि दे दिया कि आप के पास, आपके पास एक किताब है, तो आपके पास एक किताब है तो इसका क्या बनाएंगे, यू हैव अ बुक, और इसी में कहेगा कि आपके पास एक किताब नहीं है तो क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट अ बुक। तीसरा मान लीजिए कि दे दिया कि उसके पास साड़ी नहीं है, उसके पास साड़ी नहीं है क्या बनाएंगे, सी हैज नॉट साड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नेगेटिव सेंटेंस को समझने में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर सेंटेंस में दिया रहे मुझे कार है, मैं कार रखता हूं, मेरे पास कार है, तब पर भी एक लाइन में सेंटेंस लिखाएगा आई हैव अ कार। ध्यान देंगे, सेंटेंस में अगर दे दे मुझे हाथी है, मेरे पास एक हाथी है, मैं एक हाथी रखता हूं, तो डायरेक्ट वे में इसका उत्तर ये होगा कि आई हैव एन एलिफेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे हाथी है तो उसका किसी और तरीके से बनाएंगे, उसके पास एक हाथी है तो उसका और कोई तरीका, मतलब सेंटेंस को पढ़ने के बाद देखेंगे कि एक ही सब्जेक्ट को वो दर्शाता हूं, जैसे मेरे, मुझे, मैं, जैसे मुझे कार है, मैं कार रखता हूं, या मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, तो तीनों का सेंस एक ही जाएगा कि आई हैव अ कार। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको दे दे कि मैं कार नहीं रखता हूं, मुझे कार नहीं है, या मेरे पास कार नहीं है, तो सीधा सा जवाब देंगे कि आई हैव नॉट अ कार। बात समझ में आ रहा होगा। अब ये हम लोग वन और टू स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ गए हैं, अब हम लोग थ्री नंबर स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। देखिए इंग्लिश बहुत आसान है, आप कोशिश कीजिए कि इसको किसी तरह से सीख जाए। कम उम्र में जो चीज आप सीख जाइएगा ना, वो क्या रहता है कि सब दिन के लिए आपके माइंड में सेट हो जाता है। अभी तक देखिए कि आपने एबीसीडी नहीं भूले होंगे, क्यों नहीं भूले होंगे, क्योंकि उसका प्रयोग यूज आप डेली वे पे करते रहते हैं, किसी को बताते रहते हैं या सुनते रहते हैं, तो आज उसको नहीं भूलते हैं। इसी तरह से टेंस को अगर आप डेली अपने कार्यकलाप या क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर उसको लेके चलिएगा, तो आप क्या कीजिए, आपको क्या होगा कि टेंस भी आप नहीं भूलिएगा। टेंस बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, सिर्फ 5 से 6 बार पढ़े हुए तो होते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि उस टेंस को याद तो कर लेते हैं, अगर उन्होंने 1 मंथ या 15 दिन छोड़ दिया तो क्या हो जाता है कि वो चीज उसको भूल जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि भूलना नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर चीजों को अगर आपके अंदर में ना याद करने की अगर आदत डाल लीजिए ना, तो समझिए कि अधिकांश चीजें ना आसान लगने लगेगा। इसीलिए साथियों इसको समझने का प्रयास कीजिए। हर कोई जो सब्जेक्ट होता है ना, वो थोड़ा सा उसमें रटना तो पड़वे करेगा, और रटना क्या पड़ता है वो जरा ध्यान देंगे। किसी भी सेंटेंस को अगर बनाना है तो उससे पहले उस सेंटेंस का सेंस क्या होगा, मतलब पहचान क्या होगा, उस सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर उस सेंटेंस को बनाने के लिए उस स्ट्रक्चर के कर्ता के साथ कौन कौन से वर्ब का प्रयोग होगा, ये सारी चीज तो रटना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी खुद ब खुद आ जाएगा। इसीलिए आप रटने का प्रयास कीजिए, और थोड़ा सा जरूर रटिए, इससे आपको भी मानसिक शक्ति जो तनाव रहेगा वो दूर थोड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है कि हैव या हैज
प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दे दिया आपको। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। मान लीजिए कि पहला सेंटेंस दे दिया कि क्या मुझे कार है, तो क्या मुझे कार है, मुझे का इंग्लिश क्या होगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा है, तो यहां पे सिंपल सा क्या लिखेंगे, हैव आई अ कार। दूसरा मान लीजिए कि बोल दिया गया सेंटेंस में कि क्या उसे साड़ी है, तो क्या उसे साड़ी है, क्या हो जाएगा, उसे का इंग्लिश सी हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सी, सी तो ना लिखेंगे पहले, हैव हैज बाहर करेंगे, तो क्या यहां पे हो जाएगा, हैज सी साड़ी। तीसरा मान लीजिए कि बोल दिया गया कि क्या आपके पास एक पंखा है, क्या आपके पास एक पंखा है, हैज सी अ साड़ी, सॉरी यहां पे ए लग जाएगा, क्या आपके पास एक पंखा है, इसको कहा बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू होगा, तो क्या लिखेंगे, आपके पास है ना, तो क्या हो जाएगा, हैव यू अ फैन। इसी में चौथा सेंटेंस दे दिया कि मैं एक कलम रखता हूं, तो क्या मैं एक कलम रखता हूं, तो क्या मैं एक कलम रखता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव आई ए पेन। देखिए एकदम ये सब जो सेंटेंस है ना बिल्कुल नॉर्मल सा है, यही सी से आपको बोलते हैं बेसिक। ये अगर आपको आ गया ना समझ में, वाकई में दोस्तों ऐसे लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पोकन की भाषा को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए जितनी चीज मैं बता रहा हूं आप ईमानदारी पूर्वक इसको देखते रहिए, दुनिया क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बनना है आप बनिए। तो तीसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं, ये मेरा एक उम्मीद है। अब चौथा स्ट्रक्चर हम लोगों का है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, नेगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दे दिया गया। इसी सेंटेंस को उठा लेंगे बनाएंगे, तो मान लीजिए ना कि कहा दिया कि क्या मुझे कार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट ए कार, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या कहता है, नॉट लगाने के लिए, तो नॉट लगा दीजिए, ए कार गिन सकते हैं। दूसरी बात है कि बोल दिया गया कि क्या उसे सारी नहीं है, तो क्या उसे सारी नहीं है, सिंपल सा है कि हैज सी नॉट साड़ी। तीसरा दे दिया क्या आपके पास किताब नहीं है, किताब नहीं है, तो क्या आपके पास किताब नहीं है, क्या बनाएंगे, हैव यू नॉट अ बुक। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार सेंटेंस का जो टाइप बताया गया है, ये चार स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया है, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं ये एक उम्मीद कर रहा हूं। तो अब हम लोग चलते हैं पांचवा स्ट्रक्चर की ओर और छठा स्ट्रक्चर की ओर। आप क्या करेंगे, ईमानदारी से ट्रांसलेशन के बुक में यूज ऑफ हैव एंड हैज को खोजेंगे और वो सारे सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर वो अगर बनाने आ जाएगा तो
तो यकीन मानिए कि आपको स्पोकेन जब आप करने चलिएगा कहीं पे भी कीजिएगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर की मदद से आप ट्रांसलेशन की बुक को अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपको जितनी भी समस्या ट्रांसलेशन में उत्पन्न होती है वो सारे इंड हो जाएंगे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो मैं ये एक उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे पूरा अवश्य करेंगे। अब हम लोगों का पांचवा स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल सा है और पांचवा स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा बेसिक ट्रांसलेशन के पार्ट थ्री को। अगर उसको अगर अच्छी तरह से आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि साथियों उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप अगर शुरू से देखते आते होंगे तो ये भी आप समझ जाइएगा कि सर के बताने से पहले आपको कुछ जरूर अभी आइडिया हो गया होगा कि अब इन्होंने अब हम लोगों को क्या बताने वाले हैं। तो पांचवा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव या हैज। ये मैं ज्यादा मार्कर को भी ज्ञान नहीं करना चाहता हूं, इसी में हमने सोचा कि आपको समझा दो। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा फाइव स्ट्रक्चर है। तो अब हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सेंटेंस हमारा है कि दे दिया गया कि मुझे कार क्यों है। भाई क्यों है जो आप भी समझते होंगे, चढ़ने के लिए और किस लिए रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड का पूरी समस्या का पूरी जो समस्या है ना उसका समाधान मैंने पार्ट थ्री में रख दिया है। उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डब्ल्यू एच वर्ड क्यों लगाया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे और क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। और यहां पे हैव है जो लगता है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मुझे है, मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैव तो व्हाई हैव आई अ कार, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा सेंटेंस इसका मान लीजिए, कह दिया कि उसके पास एक गाय क्यों है। कोई महंगाई का दौर है, चोकर का दाम बढ़ल होगा तो एक ही को ना गाय रखेगा। तो उसके पास एक गाय क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके पास की बारी आ रही ना तो ही का प्रयोग करेंगे या सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि लड़का है या लड़की, आप कोई भी यूज कर लीजिए। तो व्हाई ही है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। तो व्हाई हैज ही अ कार। तीसरा दे दिया कि मेरे पास एक कलम क्यों है। तो मेरे पास एक कलम क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। मेरे पास, मेरे का इंग्लिश मैंने जस्ट अभी बताया था मैंने कि इस सेंस में आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो व्हाई हैव आई अ पेन। अब मैं समझ गया हूं कि आप इस टाइप के ट्रांसलेशन में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में मान लीजिए कि हमारा छठा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम भी हैं से वो कोड ही इंसान है, इसीलिए मैंने लिखना नहीं चाहता हूं और इसीलिए मैंने अरेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अरेस्ट कर दिया, सॉरी अरेस्ट बोला गया, सेंटेंस को स्ट्रक्चर को अरेस्ट कर दिए थे। तो अब यहां पे ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस हमारा है कि मुझे कलम क्यों नहीं है।
तो मुझे कलम क्यों नहीं है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, why, उसके बाद क्या हो जाएगा, have I not a pen, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते थे कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे, क्योंकि यहां पे नहीं नहीं दिया हुआ था, और इसमें क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, नहीं का नॉट लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहां पे चर्चा क्या हुआ, नॉट है स्ट्रक्चर में, इसलिए यहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरा मान लीजिए कि मेरे पास दो पुस्तक क्यों है, क्यों नहीं है, सॉरी, तो मेरे पास दो पुस्तक क्यों नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास दो पुस्तक क्यों नहीं, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई, उसके बाद हैव आई नॉट टू बुक, और तीसरा सेंटेंस ले लीजिए कि बोल दिया गया कि उसे सारी क्यों नहीं है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, Why, उसे का यहां सी लगाइए, तो यहां हैज सी नॉट सॉरी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंस को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और नहीं हुआ होगा, तो मैं आशा करता हूं कि आप कोई ट्रांसलेशन से इसे अच्छी तरह से बनाने का भी प्रयास करेंगे। अगर इसको पढ़ाने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा, या हमसे अगर कोई राइटिंग वगैरह अगर इसमें अगर कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा, तो उसे क्षमा कर दे करने का प्रयास करेंगे, और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव देंगे कि सर यहाँ पे गलत हो गया है। मैं उसको कोशिश करूंगा कि कमेंट के फर्स्ट सेक्शन में उसे डालने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो दिया गया ज्ञान आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा और आप उसे ले भी लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।